तो हाल फिलहाल में दोस्तों रॉयल एनफील्ड के एक और न्यू 450 सीसी वाले बाइक को देखा जा चुका है यूरोप के अंदर। और ये जो टेस्टिंग के दौरान ये जो बाइक को एक बार फिर से दिखा गया है ना, तो इसके बारे में अभी कुछ यही बोला जा रहा है कि ये वाला जो बाइक है तो ये हंटर 450 होने वाला है। और इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी फिर से एक बार दिखा जा चुका है रॉयल एनफील्ड के ही एक और न्यू 450 सीसी वाले बाइक को यूरोप के रास्ते के ही ऊपर चलते हुए टेस्टिंग के ही दौरान। अब ऐसे मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद से भी कमेंट करने वाले हो कि ये जो बाइक है ये आज से पहले भी एक बार आपने दिखाया था वीडियो के अंदर, और तभी बोला था कि ये जो बाइक है ये स्क्रैम्बलर 450 है या फिर स्क्रैम 450 है। तो देखो भाई अभी के डेट में ना एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि ये वाला जो बाइक है तो ये स्क्रैम 450 या फिर स्क्रैम्बलर 450 से अलग होने वाला है। और इस वाले बाइक का भी जो लुक जो है या फिर जो इस वाले बाइक का जो बॉडी डिजाइन वगैरह जो भी है तो ये स्क्रैम्बलर से मिलता जुलता है, लेकिन ये स्क्रैम्बलर नाम से नहीं आने वाला है। मतलब ऐसा ही कुछ अभी रिपोर्ट जो है तो वो सामने आया है, तो जो भी है। लेकिन मैं देखो ये वाला जो बाइक है ना तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये जो इंजिन ना, तो ये भी एक 450 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजिन आपको देखने को मिलेगा। और इसी वाले इंजिन के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर है ना तो वो अभी के डेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि 40 BHP देखने को मिलने वाला है, और उसके ही साथ टॉर्क जो है ना तो वो 40 से लेके 45 Nm के अंदर अंदर का होने वाला है। और उसके ही साथ साथ 6-speed का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी इस वाले बाइक के भी अंदर आप लोग जैसे कि देख ही सकते होंगे देखने को मिल रहा है इसी बाइक के अंदर दिया हुआ एलॉय व्हील्स। और उसके ही साथ साथ इसी बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना तो वो है कि इस वाले बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके अलावा अभी के डेट में ये भी दिखा जा चुका है कि इस वाले बाइक के भी अंदर आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा मोटा सा और एक क्यूट सा एक जो एग्जॉस्ट है तो वही, तो जैसे कि देख ही सकते होंगे क्रोम फिनिश के अंदर अंदर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भी इस वाले बाइक के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेट अपना, तो वो है इस वाले बाइक का सामने ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके भी साथ साथ देख ही सकते होंगे इसी बाइक का ये जो पिलियन सीट के पीछे और नीचे जो टॉप बॉक्स और पैनियर्स लगाने के लिए जो जो चीज़ दिया गया है, मतलब पिलियन सीट के पीछे टॉप बॉक्स और पिलियन सीट के नीचे देख ही सकते होंगे पैनियर्स वगैरह लगाने के लिए कुछ दिया गया है, तो यही कुछ अभी देखने को मिल रहा है इसी बाइक के साथ। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो है इस वाले बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है तो वो LED में, और बाकी जो टर्न इंडिकेटर्स है ना तो वो आपको बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बढ़िया तो है ही। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल, मतलब कि जो एक अलग सा जो ट्रिपर नेविगेशन वाला मीटर कंसोल है ना, मतलब जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह जो भी है तो ये सारा कुछ जो देख सकते हो, तो ये जो मीटर कंसोल है तो ये आपको एक्सेसरी के रूप में देखने को मिलेगा। वैसे भी इस वाले बाइक का ये जो सिंगल साइड पर ये जो एक मीटर कंसोल है ना, मतलब ये सेमी डिजिटल वाला जो मीटर कंसोल है, तो इसके भी अंदर आपको काफ़ी सारा कुछ काम का ही फीचर्स देखने को मिलने वाला है रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से दिया हुआ, जैसे कि आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर या फिर गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है ना तो वो भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये जो इंजन मेल फंक्शन वगैरह और ABS वगैरह जो भी है तो ये भी देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ तो फ्यूल गेज और ओडोमीटर ट्रिप मीटर ये जो सारा कुछ चीज़ें हैं तो ये भी देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा, थैंक यू गाइज़।